अच्छा आने रहा था सब नहीं आन किया है ना अब चल दे आगे उंगली हाथ में लगा हाँ अभी यहाँ हमारा बंदर भोज हो चुका है जी आपको नहीं बोलना है और हमारा यह समाज से यह कहना है कि रियलिटी पर आइए फॉर्मेलिटी पर मत आइए फॉर्मेलिटी जो है भगवान ने आपके साथ फॉर्मेलिटी नहीं किया है आप रियलिटी पर आइए और पहले सर्वप्रथम मनुष्य बन जाइए जैसे आज के मीटिंग में हमने पूछा कि हम पूरी दुनिया से एक सवाल करना चाह रहे हैं कि आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं ठीक आप बड़े बड़े ओहदे पर पहुँच गए शिखर पर आप पहुँच गए लेकिन अगर एक बात हम आपसे पूछें कि हुजूर ये बताइए कि क्या आपके पास मानवता की ह्यूमनिटी की और क्या बोलते हैं मानवता ह्यूमनिटी और इधर भी आ जाओ लाइट इधर से आ जाओ मानवता की ह्यूमनिटी की इंसानियत की क्या कोई डिग्री लिया है आपने मेरे दरवाजे गधा बंधा है आज हम तीन दिन से रात दिन एक किए हैं अब उसको जान में जान आई उसका खुर सौ गया था लोगों ने फॉर्मेलिटी किया तो अंदर ही अंदर वो सौ गया आज उसको निकलवाए हैं मेरे दरवाजे तीन दिन से बंधा हुआ है तो ये दुनिया वाले आंखें खोल के देखो कि पत्थर के गधे में जाते हो मिठाई चढ़ाते हो और जो सचमुच का गधा है वो सरसों के मरता है और हमारे देश के लिए हाँ हमारे देश के लिए सबसे भयानक बात अगर कोई चीज़ है सबसे भयानक तो वो है धर्मवाद और जातवाद अरे इंसानवाद पहले पैदा करो बाद में इनको चौधरी को हटा दो भैया ए चौधरी हटो ओ देखो हमको देश हट गया देखो बस वहीं रहिए आप करीब आएंगे तो चलवा फिर नहीं आए चलवा या चढ़ा चढ़ाओ एक बाबा चलवा का ले चलवा आओ ले वो आप हाँ तो देख के डर रहा है चलावा चला चलावा ले 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 जो ये वजह से बनाए इसकी वजह से ये चौधरी का हटा दियो बाबा चौधरी का आप चौधरी को हटाए चलवा नहीं आ रहा थोड़ा उसी आ जाए भयानक आ जाए वीडियो वो आवाज है फिर भाग करा ले फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए सब जीव बराबर है हर मनुष्य एक समान है ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है अगर नीच है तो लोगों की सोच ही नीच है उनको शर्म करना चाहिए हमने नाम के आगे से जात हटा दिया हमने कहा ये क्या नाटक हो रहा है आदमी सब एक जैसे हैं है? हिंदू बन गए मुसलमान बन गए फलाने बन गए धमाके बन गए और इसी वजह से मार काट भेदभाव चल रहा है किसी के नाम पर सब चुनाव हो रहा सब हो रहे हैं मिल रहा है सबको रोक ही चाहिए यह देखो ए यह खुश तो यही हम लोगों को समझाते हैं कि फॉर्मेलिटी नहीं रियलिटी पर आइए आप लोग लो निकाल लो चल ले ले रियलिटी पर आइए देखो तो यही समझाना बताना मेरा काम है भाई मैं हमारा सेवा भी चल रहा है और अरे यार सब नहीं दे देव से दियो देव ले दिन एक झापड़ करके आप बताइए आप देखा अब इनके हम धमक में आ जाते ही भर लेती हाथ ये अब देखो ये देखो ये देखो चलवा आ गया ये है चलवा कहाँ गया भगवान वाह पिछवा है आपके ले ले चलवा ले तो समभाव होना चाहिए ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है अरे हम तो हमारा देश जो है ना वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए लेकिन ये कोड है अच्छा जो आदमी करके दिखा रहा है मैं दुनिया का वर्ल्ड का मैं पहला व्यक्ति हूँ जो पूरी जिंदगी से मैं लगा दिया बंदर की सेवा गधे मेरे दरवाजे गधा बंधा है यूट्यूब पर आप देखें श्याम साधु सर्च करें और देखिए आप उसमें गधे की सेवा बंदर की सेवा कुत्ते की सेवा गरीब बच्चों की जो जिनका कोई ना हो यूट्यूब पे बाबा आपका वीडियो चल रहा हाँ जो आप लोगों ने बनाया है यूट्यूब पर पड़ गया हाँ चलो देखो आज डालते हैं क्या डालेंगे आ जाएगा आपका श्याम साधु आ जाएगा बस और अगर श्याम साधु वीडियो नहीं आपको अगर पूरा जानना है तो गूगल पर जाइए गूगल पर श्याम साधु 772 यानी 772 आप गूगल पर श्याम साधु 772 जहाँ आपने किया फिर हमारा जितने नंबर हैं
सब उसमें आने लगेंगे। और वही ढूंढ ढूंढ के देखिए आपके आपके अरे यहाँ 2-3 वीडियो आ गया है। ठीक, हम उस बीच आए तो हम आपने आपके बारे में मैंने पूछा भी, क्या जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं YouTube पर आ गया, दुनिया में तमाम लोग जो हैं उसको देख रहे हैं। हालांकि हमारी आज की दुनिया की सोच क्या है कि बंदर जो मार मार के मदारी ने सिखाया है यातना देखे, उसको 3 लाख लोग पसंद किए हैं, देख रहे हैं। और जो हम बंदरों की जख्म को भरवा रहे हैं, हमारे हाथ में बंदर ने काट भी लिया है, उसका इलाज भी किया है, ये देखिए, और इसको लोग हजारों में देख रहे हैं, 500, 1000, 2000। ये आज की हमारी सोच है। कहा भैया थकुआ मत, नहीं बहुत मारो भाई। चलवा यार, कहा तुम कहाँ आ गए? हम कहाँ, हम उनसे बात कर रहे हैं। चलवा तो यही है महाराज, आज हम तो हर जगह देखिए आपके ही, हमने छात्रावास में यही चैलेंज किया कि अगर मायावती पार्टी में कोई भी पूरे इंडिया में हो, अगर हमसे ज़्यादा वो मानवतावादी हो, तो जरा आमने सामने टीवी पर आ जाए। हम एक मिनट लगेगा बोलती बंद करने में। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए, नाम के आगे से जात हटा दिया, हमको नफरत हो गई। जी जी जी, तब वैसे बिलोंग करते थे किस जात से बाबा? ब्राह्मण मिश्रा जमींदार। जी 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 जी, दुर्गा मार्केट जो है आपे का है। जी जी, करोड़ों में है, सब त्याग दिया, यही काम कर रहे हैं। केवल बंदर से ही नहीं, क्योंकि बंदर भोज में हम रोज आते हैं, मेरे दरवाजे गधा बंधा दिखाओ, पूरी इंडिया में कोई समाजवादी हो, कोई एक आदमी हो बताओ। हमने मांग उठाई थी बाबा साहब के कार्यक्रम में, आज कई साल हुआ, दैनिक जागरण में छपा था, वो अखबार रखा है मेरे पास, कि जो नाम के आगे से जात को हटावे उसी को टिकट दिया जाए। मैंने ठीक कहा था? जी जी जी, नाम के आगे जात लगाए हो बन गए मसीहा, क्यों? जानबूझ के हिंदुस्तान के लोगों को गरीब रखा जाता है, भूखे रखा जाता है, जहाँ उनका गेहूं कंबल झिल्ली। जी जी जी, पढ़े लिखे बेचारे गांव वाले हैं नहीं, जी जी, तो कंबल ओढ़ के पाएंगे और गेहूं पान फेर पाएंगे, बिल्कुल झिल्ली पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, पहन आराम से पिसाइन खाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अब वोट जो है खरीदते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रलोभन देते हैं। जी जी, कोई भी नेता हो जी, अपने नाम के आगे से जात को हटाओ, पहला काम। तो समझेंगे आप नेता हो, तब नेता हो, तब तुम समाज के लिए कुछ करोगे, मानवता वाली बात आएगी, मानवता। बिल्कुल बिल्कुल, तो भैया भैया हमने श्याम साधु साधु की कोई जात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी हमारा पूरा नाम है कृष्ण कुमार मिश्रा। अच्छा, खसरा खतौनी सब जगह, बैंक पैंक सब जगह कृष्ण कुमार मिश्रा लिखा है, सब जगह। अब उसके कानूनी प्रक्रिया है इसलिए लिखा है, लेकिन जो मेरे बस में आया, अब हमें दरवाजे पहुंच जाओ भैया, यहाँ कृष्ण कुमार मिश्रा है, कोई कोई नहीं बता पाए। और श्याम साधु आप वहाँ अमेरिका में पूछ लो, पढ़े लिखे से तो बता दे, हाँ हाँ श्याम साधु इंडिया वाला, वो बंदर वाला, जी ये है सब। बिना क्या किया आप नहीं कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी ने जो काम किया है तो सारे वर्ग के लिए किया है, ये थोड़े कि अपने बिरादरी के लिए किया है, सारे वर्ग के लिए किया है। इसीलिए मैं मोदी के नाम का माला जप रहा हूँ। हमारी उनकी कोई, बाबा जी आप राजनीति क्यों जाते हैं? कौन आप राजनीति क्यों जाते हैं? हाँ बेटा, बड़ी अच्छी बात कही। बिना कोई बाबा हो साधु हो, अगर वो राजनीति में नहीं आता है तो एक नंबर का वो कमीना है, बेवकूफ है और जाहिल है, वो महाजाहिल है। क्यों? नहीं नहीं, एक मिनट, साधु का मतलब कि एक मिनट सुनो, पूरे विश्व सुनो, इधर देखिए भैया, एक भैया इधर देखिए, जी जी, यानी पहली जनवरी को मैंने देश को बधाई, बाद में मैंने विश्व को दिया है, मैं विश्व के लिए काम कर रहा हूँ बेटा। हम जातवाद देशवाद धर्मवाद का बात नहीं करते, वो साधु ही नहीं है जो राजनीति की बातें ना, राजनीति का मतलब न्याय की बात करो न्याय। और तमाम लोगों ने कहा कि बाबा कुछ पा गया है, तो हमने चैलेंज किया है कि हमारा टेस्ट यहाँ नहीं, अमेरिका में करा लो चल के। जी जी, तो एक से एक मशीनें हैं। जी जी जी, एक पैसा अगर हमने किसी से लिया होगा तो हम अर्ध चेतन में सब बोल देंगे। इस विज्ञान की युग में मैं चैलेंज करता हूँ कि एक फुटी कौड़ी, मैं ना मुलायम का जानता हूँ, ना माया का जानता हूँ, ना कांग्रेस का और ना बीजेपी का। जी जी, और सबके लिए काम किया है। मायावती के जब ये डाक बंगले वाला कांड हुआ था ना, उस समय मैंने टेलीग्राम भेजा था, 2 दिन सब्जी नहीं खाई थी जी। तब गंगा जी के नाम से अकेले दम से मैंने अनशन किया, पूरे हिंदुस्तान के बाबा बाबी पंडित और भगत लोग कहाँ चले गए थे भाई। वो गंगा जी तो सबके काम आती है, वो मुसलमानों के भी काम आती है,
भाई मुसलमान वहाँ अगर उनका गांव है गंगा के किनारे तो उसमें वो नहा रहे हैं, उनके जानवर नहा रहे हैं। तो पूरे विश्व के लिए बेटा मैंने काम किया है, आप पहले व्यक्ति हैं, आपने एक सवाल तो किया तो हमको बोलने का मौका मिल गया। येस, हमने येस, आपको अच्छा संतोषजनक जवाब दिया। राजनीति का मतलब जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करो। अब सुनो, अब कुछ लोग फेमस हो जाते हैं, क्या बहन जी जो है काहे में फेमस मालूम है? एक चीज में फेमस हो गई, काहे में? गुंडा राज खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, गुंडा राज खत्म, तब ये उसकी खूबी है। बहन मायावती ने जो लखनऊ में काम किया है वो आज तक देश में किसने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, न्याय की बात करो, पक्ष मत लो। जात बात में जहाँ आपने जोड़ा तो आप तो खुद ही हमसे अलग हो गए। बिल्कुल, श्याम साधु कोई जात वाद की कोई बात नहीं इसमें फिलहाल। नहीं नहीं, वही मतलब जात वाद को श्याम साधु इसका विरोध करता है। आप लोगों को तो साथ देना चाहिए कि भैया बाबा साहब तो चले गए जी, बाबा साहब की यादें हैं जी जी, लेकिन आज एक बाबा साहब के जगह काम कोई कर रहा है उसको तो पहचानो। बिल्कुल बिल्कुल, अरे हम तो वहाँ एक एक एक, एक मियाँ जी हैं पत्रकार हैं, बड़ी अच्छी बात कही कि गद्दा छोड़ गधे के पीछे, गद्दा छोड़ हमको भगवान ने गद्दे में हम अच्छा देखो बेचारा गिरा थी नीचे से, तो गद्दा छोड़ गधे के पीछे, और आज भी गधे के पीछे मैं लगा हूँ। मेरे दरवाजे बंद था तीन दिन से रात दिन, उसको आज बाद उसका खुर निकल सड़ गया था, आज खुर हमने कटवा के बाहर करवाया, सड़ गया था, सड़न पैदा हो गई थी, आज की बात है, और इसी कैमरे में बना है उसकी चिप, वहाँ फोटोग्राफर की यहाँ पड़ी हुई जी जी, वो बना रहा है। हम तो दुनिया के लिए जी रहे हैं, हम दुनिया वालों से कहते हैं भैया ये गिरजा और मंदिर और मस्जिद जो है ना इनको लगा दो ताला, केवल इंसानियत की बात करो, मार काट सब खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये दिमाग निकालो मैं फला हूँ मैं फला हूँ, अरे मर के चले जाओगे, ना तुम हिंदू रहोगे ना मुसलमान रहोगे ना तुम कोई नहीं रह जाओगे, चार दिन की जिंदगी है। मानवता के ऊपर से हम साधु काम कर रहा है, करके दिखा रहा है। अभी दुनिया में बेटा आज तक कोई महात्मा चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, नेता हो, अभिनेता हो, किसी ने हुजूर करके नहीं दिखाया, खाली वो बटबटाया है। बिल्कुल बिल्कुल, बस हमारे हिम्मत चले जाओ वो लोग ब्रह्मा जी के बुआ के नाम बता रहे हैं, हमको हंसी आती है सुन के, तुम्हारा तो कोई पता नहीं तुम ब्रह्मा जी की बात करते हो, ये क्या है सब, सब मानसिक फितूर है। और बंदरों ने एटम बम नहीं बनाया, दहेज के लिए किसी बंदरिया को बंदर ने नहीं जलाया। हुजूर माफ़ कीजिएगा, इनकी मशीनरी हमारी आपकी मशीनरी एक है, और विज्ञान ये कहता है कि हमारे पूर्वज थे, हम लोग कुछ डेवलप कर गए, हम डेवलप कर गए तो हमारे पूर्वज थे, तो आज ये अपनी जगह सही है, और हम लोग क्या कर रहे हैं एटम बम बना लिया एक दूसरे को मारने के लिए, इससे शर्मनाक बात और बेटा क्या होगा। इसीलिए श्याम साधु चल जाता है, लेकिन श्याम साधु को टीवी पर और कुछ नेता या कुछ बाबा लोग हैं जो बड़े बड़े पद वाले, वो देखते हैं कि श्याम साधु अगर टीवी पर आ गया तो कहीं हमारी बखिया न उधड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बात की, इसीलिए लोग नहीं हमको तो आने दे रहे हैं। बिल्कुल, मीडिया वालों को हम क्या कहें जो इलेक्ट्रॉनिक वाले बम्बू लगाते हैं, बिल्कुल उनसे पूछा जाए क्यों साहब आप पैसे के पीछे भागते हैं, आप कहेंगे बहुत बड़े नेता है, तो माफ कीजिएगा मीडिया वालों, बड़े नेता कैसे बने हैं वो आप भी जानते हैं। बिल्कुल, गेहूँ कंबल दिल्ली और बांट कर पहुँच जाते हैं दिल्ली। बिल्कुल, चारों मर्डर करवा दिया नेता बन गए, नेता है ये तो, नेता वो है जो अपनी जिंदगी को उजाड़ दे, जैसे सिख धर्म में है लोगों ने कहा महाराज हमको अपना शिष्य बना लीजिए, तो कौन नानक देव रहे उन्होंने कहा जो घर फूके आप लो तो चले हमारे साथ, यानी घर छोड़ो हमारे साथ चलो, तो कुर्बानी देनी पड़ती है, तो गद्दा छोड़, भगवान ने हमको गद्दे पर सोने के लिए भेजा, या रायबली छोड़ो, तीन प्रांतों में हमारी प्रॉपर्टी थी, तीन प्रांतों में सबका नाम पता है मेरे पास, अब सब बिक गया, कोई नातेदार ले गए तो मरो हाथी सब औलाद का, मैं उस खानदान में जन्म लेने के बाद अब बाबू मैं वो काम करता हूँ कि जेल का कैदी 5 बजे छुट्टी पा जाता है, हुजूर हम 11 बजे रात में छुट्टी नहीं पाते हैं, इसीलिए वीडियो कैमरा रखे हैं, कल एक गधे को हमने बोरे से ओढ़ा दिया, उस दूसरा बैठ कर जो मेरे दरवाजे है वो बैठ गया, वहाँ जाके वही आग जल रहा था, आग जला दिया, अब वो आग के बगल में बैठ गया और उस बोरे में आग पकड़ लिया, अब बोरा जलता नहीं बोरा सुलगता है जी जी, और 11:30 बजे रात में दोहा कत्तर से एक बंसी भैया हैं उनका फ़ोन आ गया, कहें बाबा आपकी आवाज़ कट रही है, हम भैया हम कहा अच्छा हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर आए
और देखा वो भैया गधे के ऊपर से धुआं लिए और वही कैमरा जेब में ही रखा, खट से निकाला कैमरा और तुरंत उसकी आग बुझाई। हमने कहा देखो इतनी अरब कंट्री से फोन आया है गधे की जान बचाने के लिए, इसी का नाम है ईश्वर, इसी का नाम है भगवान। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भगवान ने कहीं जातवाद बनाई? रामचंद्र ने कहीं लिखा रामचंद्र सिंह? हनुमान सिंह कहीं नहीं लिखा? नहीं, नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, दोषी हम लोग हैं, वो हमारी बिरादरी दोषी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, हमारी बिरादरी दोषी है, साधु महात्मा दोषी है। अरे भैया अब इकट्ठे लड़को हो जाए, नाती हो जाए, पनाती हो जाए, नोटबंदी किया मोदी ने, स्वभाव नहीं पड़ा अभी। धैर्य रखिए थोड़ा, आना आने वाले वक्त में, सुनिए, आने वाले वक्त में देश में तीन ही नेता लोग रह जाएंगे जिनका वर्चस्व कायम होगा। तो उम्मीद था, एक मिनट उम्मीद, तो सुनिए, एक तो मायावती जी, इसका भी वर्चस्व है। बिल्कुल सही बात, ये मैदान में आएगी बिल्कुल। और नीतीश बिहार में उसने काम किया है, वो मोदी, तीन नेता है जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, और बाकी अभी कोई बच वही किंतु परंतु वाले। बिल्कुल सही, तीनों अगर हाथ मिला लिया तो भारत भारत हो जाएगा। बेटा यही मांग करो, हमारी आवाज में आवाज मिलाओ, जातवाद खत्म। जो बाबा हम लोग कब खत्म होगा, भेदभाव कब खत्म? जब आप लड़ेंगे तब तो, हम लोग तो कंटिन्यू लड़ते आए हैं बाबा साहब। हम लोग एक अपनी पहचान अलग बनाए हैं। नहीं 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 नहीं, जो बेटा बोला ना मानो, जय भीम, नहीं जय मानवता बोलो। जी जी जी, जय मानवता। भीम तो ही है, भीम बाबा, भीम साहब ने तो बहुत कुछ किया जी, जी, उनका जी, स्थान है, उनको स्थापित रखो, लेकिन साथ साथ में जय मानवता बोलो। जहाँ आपने कहा जय भीम, कहाँ पर वो भीम वाले हैं, देखो जी जी जी, देख, हमने कहा राम राम, कहने बेइज्जती का जी जी, उन्होंने कहा अल्लाह हो अकबर, कहने मुसलमान है जी जी, उन्होंने यीशु मसीह। तो खत्म कैसे हो? ये खत्म हम ही आप कर सकते हैं। कैसे? कुर्बानी देनी पड़ेगी। आवाज उठाओ, आप लोग पांच लोग हो, आवाज उठाओ, आवाज उठाइए। तो अब संध्या बेला है, कैमरे को बंद करेंगे, कम से कम आधे घंटे को तो बन ही गया होगा। जी जी, मैं वाणी को विराम देता हूँ। ये जातवाद बेटा जब ही समाप्त तो होगा, जब आप सभी लोग, हम तो अकेले हो के इतनी बड़ी आवाज उठाया ना, तो आप लोग तो इतने सारे लोग हो, एक मीटिंग करो, बातचीत करो, पेपर में दो, जो आपको पेपर में जो आपको अच्छी बात बतावे। अरे पेपर मारो गोली, अब सीधे सीधे यूट्यूब पर हम डाल देते हैं, बात खत्म, दुनिया पढ़े और हमेशा वो कायम रहे। तब आवाज उठाइए, प्रयास, अपना कर्तव्य देखिए, मनुष्य का मतलब आप कर्तव्य परायण बनिए। बिल्कुल सही, कर्तव्य परायणता हमारे में ही नहीं, हम लोग जातवाद फैलाए हैं, हम लोग आप ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करते हैं, तो हम कर्तव्य वाले कहाँ रह गए? फिर लेकिन हम लोग कहीं भी जाते हैं, ये जो श्री राम वाले हैं, बीजेपी की बात करते हैं, ये तो सदियों से इनकी परंपरा ही चली आ रही है, ये तो जय भीम वाला अब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अपनी सोच बनाते तो ये भी स्वाभाविक बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, तो पहले कम से कम उनको तो सुधार करना चाहिए। जैसे जहाँ गए अब वहीं हम लोगों को अब फील होता है कि यहाँ जातवाद हमारे साथ हो रहा, हो रहा। कहाँ से खत्म होगा? बिल्कुल एकदम आपका एकदम कथन सही है, बस इसके लिए आवाज उठाया। जैसे कहीं कहीं किसी ऑफिस गए, मेरा काम है, अब ऑफिस में बैठने वाला एक अपर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, वो अब हमें फील हुआ कि वो हमारे साथ जातिवाद कर रहा है, तो हमारा काम ही नहीं हुआ, जातिवाद की बात है, अभी वही उसके इक्वल वाला आ जाए, लेबल वाला, उसका काम हो गया, काम हो गया, नहीं ये तो है, नहीं नहीं ये तो बड़ी लंबी लड़ाई है, और हम समझते हैं, हमारा अंदाज है कि इसको एटम बम ही समाप्त कर पाएगा। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो सब खत्म हो जाएगी महाराज। और आज से 16 साल पहले मैंने ये कहा था, 16 साल पहले एक पत्रिका में छपी थी कि इस दुनिया को बम देव ही सुधार सकते हैं, तो लोगों ने समझा बम देव माने शंकर जी, बम देव माने शंकर जी, हमने कहा शंकर जी नहीं, बम बम बम, यही आइटम बम यही सुधार पाएगा, जो आपका बिल्कुल सही कहना है। सब जगह लोग जातवाद का भेदभाव रखते हैं, लेकिन यह है कि चलिए आवाज, आखिर भाई बाबा साहब सुनिए, बाबा साहब अकेले आवाज उठाए जी, आज इतना हुआ, आज इतना हुआ, तब उन्हीं का ये सब दिया हुआ, आज हम उन्हीं के दिया हुआ है, आज हम लोग कहीं भी जाते नहीं, थोड़ा थोड़ा। अच्छा एक मिनट और सुन लो, तिलक तल तिलक तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूता चार, ये क्यों शब्द कहा गया? हम लोगों के अत्याचार की वजह से कहा गया, काली जी ना आती, काली जी ना आती,
लेकिन जब देखे कि अब राक्षसों की संख्या बढ़ रही है, कहीं काली को भेज दो, तो कलयुग की काली माया तो है, यही तो दुष्टों के संहार के लिए आई है, काम कर रही है। तो आने वाले समय में अब लोगों की राजनीति चल रही है, लोग इनको मिलाते हैं, उनको करते हैं, देश आला बटा हुआ है महाराज हमारा, यही है। ठीक है, जय श्री राम। आज की तारीख क्या है? 5 जनवरी 2016 संध्या वेला है। सामने यहाँ बैठी हुई हैं, देखिए इनका बंदर भोज हो चुका है। बच्चों ने जो सवाल किए वही उसी का मैंने जवाब दिया। बत्तियाँ सब जल चुकी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हैं, ये हमारे ही है बेटा। अच्छा, खैर चलो खा लें उठा के, अब ये यहाँ हम नहाए।